अगर हमसे लॉ ऑफ एविडेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ एविडेंस उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और एक अच्छा एविडेंस क्या कहलाता है अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे लॉ ऑफ़ एविडेंस में तो लॉ ऑफ एविडेंस का जो लेटिन टर्म से डिराइव हुआ है ये एविडेंस वर्ड जो है वो उसका लेटिन वर्ड uh, है जिसका मतलब है कि टू प्रूफ ठीक है किसी भी चीज़ को प्रूव करना इज नोन एज एविडेंस तो अगर सिविलाइज कंट्रीज की बात करें तो दो एग्जिम्स पे बेस्ड होती है कोई भी सिविलाइज कंट्री पहला ओनली फैक्ट विच हैव प्रोबेटिव वैल्यू शुड बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट एज एविडेंस कोई भी फैक्ट्स जो कि जिसकी प्रोबेटिव वैल्यू होती है जिसकी एक सर्टन वैल्यू होती है उसी को हमें कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूव करना चाहिए उसी को एज एविडेंस uh, हमें दिखाना चाहिए अदरवाइज जिसकी कोई प्रोबेटिव वैल्यू ही नहीं है उसको दिखाना तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ कोर्ट्स टाइम सेकेंड इज ऑल फैक्ट्स हैविंग रैशनल आर एडमिसिबल अनलेस एक्सक्लूडेड जितने भी फैक्ट्स हैं जिनकी रैशनल वैल्यू है वही एडमिसिबल होंगे खाली कोर्ट में अदरवाइज वो एक्सक्लूड हो जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि वही फैक्ट जिनकी एक प्रॉपर वैल्यू है जिनको प्रॉपरली uh, जिसके लिए आप बिल्कुल uh, फैक्ट है वो और वो एडमिसिबल है उन्हीं को आप लोगे कोर्ट में और प्रेजेंट करोगे अदरवाइज नहीं करोगे अगर हम बात करें इसकी एग्जॉस्टिवनेस की तो इंडियन एविडेंस इज़ नॉट एट ऑल एग्जॉस्टिव इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कवर्ड नहीं हैं जो अलग अलग एक्ट्स में कवर्ड होती हैं इसीलिए एग्जॉस्टिव नहीं है अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव uh, क्या है इस एक्ट के बनाने के पीछे एक तो ट्रुथ को सामने लाना टू ब्रिंग ट्रुथ टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा इंक्वायरीज़ जो एक्स्ट्रा इंक्वायरीज होती हैं फालतू की लंबी लंबी जो इंक्वायरीज चलती हैं उसको रोकना थर्ड इज़ टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन माइंड ऑफ जजेस जजेस के दिमाग में जो कन्फ्यूजन रहता है उसको दूर करना एंड फोर्थ इज़ रिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन मेड बाई कोर्ट जो कोर्ट को इतनी इतनी लंबी लंबी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है उसको रिस्ट्रिक्ट करना तो ए, <coughs> तो ये चार इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉ ऑफ एविडेंस के अगर हम बात करें एक अच्छा एविडेंस क्या होता है व्हाट इज़ अ गुड एविडेंस तो गुड एविडेंस के फीचर्स क्या हैं एक तो यह कोर्ट का टाइम ना वेस्ट करें बिल्कुल भी दूसरा ये ध्यान कोर्ट का इधर उधर डाइवर्ट ना करे जो जिस चीज पे फोकस होना चाहिए उसी पे फोकस करे कन्फाइंड टू द मैटर ऑफ इशू जो मेजर मैटर ऑफ इशू है उसी पे तक रखे हमें इधर उधर ना ले जाए हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड कभी भी हेयर से एविडेंस को हम एडमिट ना करें कोर्ट में हेयर से एविडेंस क्या होता है मैंने आपको पहले भी शॉर्ट वीडियोज में बताया हुआ है एंड बेस्ट एविडेंस शुड ऑलवेज बी शेयर इन द कोर्ट कोर्ट में हमेशा अच्छे से अच्छा एविडेंस को आपको देना चाहिए ताकि टाइम कम से कम वेस्ट इसके अलावा आप इसमें और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि जो कोई लॉ ऑफ एविडेंस होता है या जो हमारा एविडेंस है वो लेक्स फॉरी है लेक्स इज रूल ऑफ कोर्ट या लॉ ऑफ कोर्ट ये किसी और के रूल के हिसाब से नहीं चलता ये कोर्ट के रूल के हिसाब से चलता है व्हाट कोर्ट विल से ओके देन इट विल बी ओके अगर कोर्ट ओके okay नहीं कहता तो इट वॉन्ट बी ओके तो कहने का मतलब इट इज ए रूल ऑफ कोर्ट या लॉ ऑफ कोर्ट सो इट इज़ नोन एज लेक्स फॉर तो अब जैसे सीसीएस के आजकल पेपर बनने आ बन के आ रहे हैं तो हमें देखने को आ रहा है कि कुछ भी पूछ रहे हैं वो उनका कोई जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है वो कुछ भी पूछ रहे हैं तो हमें थोड़े से बहुत वर्ड्स पता होने चाहिए कि लेक्स फॉर क्या होता है तो अगर कल को आ जाए तो रूल ऑफ कोर्ट कोर्ट की जहां चलती है तो इसके बाद आप एविडेंस के बारे में बता सकते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस